गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट थ्योरम नंबर 6.23 एंड व्हाट अ स्टेटमेंट. प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. रिजल्टेंट के प्लेस पे आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर आप दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट ले लें या रिजल्टेंट ले लें तो आपको क्या मिलेगा, एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही मिलेगी. तो इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया से डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी सच दैट AD माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. ये एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है. सिमिलरली मैंने एक फाई कंसिडर कर लिया एंड फाई इज़ ए वन डब्ल्यू प्लस बी वन डिवाइडेड बाई सी वन जेड सॉरी सी वन डब्ल्यू आ जाएगा आपके पास क्योंकि आप W में कंसिडर कर रहे हो प्लस डी वन सच दैट ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. ये दोनों कैसी हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. ठीक है, दोनों क्या हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस. अब आपको W की वैल्यू यहाँ नज़र आ रही है तो आपको क्या करना है, एक आपने Z में कंसिडर करना है, एक W में कंसिडर करना है यूजिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर टू. इक्वेशन नंबर टू में हम इस W की वैल्यू को यूज़ कर ले तो phi विल बी इक्वल टू ए वन W क्या है ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस टी और साथ में क्या है प्लस बी वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है सी वन ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी और साथ में आ जाएगा प्लस डी वन. इसको सिंप्लीफाई कर लो. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वन ए जेड प्लस ए वन बी ठीक है प्लस सी जेड बी वन और प्लस डी बी वन ठीक है सॉल्व हो गया डिवाइडेड बाय अब क्या आ जाएगा नीचे सी जेड प्लस डी एंड देन हियर सी वन ए जेड प्लस सी वन बी प्लस सी जेड डी वन प्लस डी डी वन डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी ठीक है. सी जेड प्लस डी इधर भी है कैंसिल आउट हो जाएगा देन इट विल गिव यू ए वन ए जेड प्लस ए वन बी प्लस सी जेड बी वन प्लस डी बी वन और डिनोमिनेटर में क्या बचा सी वन ए जेड प्लस सी वन बी प्लस सी जेड डी वन प्लस डी डी वन. अब आपका काम क्या है, जो जेड वाली क्वांटिटी है उसको एक साइड कर लो बगैर जेड वाली क्वांटिटी एक साइड. सो ए वन ए प्लस सी बी वन साथ में जेड प्लस ए वन बी प्लस डी बी वन हो गया. डिनोमिनेटर में भी यही करना है सी वन ए ठीक है प्लस सी डी वन और साथ में आ जाएगा आपका जेड प्लस सी वन बी प्लस डी डी वन ठीक है ये आ गया. अब इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो भी है इसको हम कैपिटल ए बोल देते हैं, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी बोल देते हैं और इसको कैपिटल डी बोल देते हैं. तो देखना ऐसे लिख दूँ ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस टी आ गई वैसी ही फॉर्म. अब कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, इफ़ ए डी माइनस बी सी अगर आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है ना तो आप कह दोगे कि ये भी क्या है आपके पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है. तो अब हमारा टारगेट क्या है ए डी माइनस बी सी को कैलकुलेट करना. तो स्टार्ट करो ए डी माइनस बी सी रखो वैल्यू ए की वैल्यू है आपके पास ये तो ए वन ए प्लस सी बी वन इसको मल्टीप्लाई करना है डी के साथ मीन्स दस वन सी वन बी प्लस डी डी वन माइनस बी सी बी इज दस वन ए वन बी प्लस डी बी वन मल्टीप्लाई करना है सी वन ए प्लस सी डी वन के साथ ठीक है. तो मैंने क्या किया इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया. अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो ए वन ए सी वन बी ए वन ए सी वन बी ये क्वांटिटी आपकी कैंसिल हो जाएगी. फिर आगे चलो ए वन ए डी डी वन तो ए वन ए डी डी वन इस टाइप की कोई क्वांटिटी नहीं है सी वन बी सी बी वन सी वन बी एंड सी वन बी सी वन वट वेर इज सी वन सी वन सी वन ठीक है और बी वन तो सी वन बी वन साथ में आपको ए डी चाहिए बट ए डी तो नहीं है ठीक है. ऐसे सी बी वन डी डी वन तो इस तरह की भी कोई क्वांटिटी आपके पास नहीं है सी बी वन नहीं है सी बी वन यह सी बी वन एंड डी डी वन ठीक है सी बी वन डी डी वन तो आपके पास ये चार क्वांटिटी बची है. इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं. तो देखो भाई इसको सॉल्व किया ए वन ए डी डी वन यहाँ से क्या है डी बी वन सी वन ए तो यहाँ से ए डी आपको नज़र आ रहा है इधर भी ए डी आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ से ए डी कॉमन लिया क्या बचा आपके पास देखो ए वन डी वन
यहाँ से क्या बचा, बी वन सी वन, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक, फिर अगले स्टेप पे आओ, मुझे क्या चाहिए, माइनस बी सी, तो देखो ना माइनस बी सी है ना, माइनस बी सी यहाँ से क्या बचा, प्लस का ए वन डी वन, तो ये आ गया आपके पास। देन यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले चुके हो ना, तो ये माइनस में ही आएगा, माइनस बी वन सी वन। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपको दिख रही हैं बिल्कुल सेम है, सेम है, तो आप इनको एक बार लिख दोगे और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए डी माइनस बी सी, तो यही मैं इसको लिख रही हूँ, ए डी माइनस बी सी इंटू ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन। अब ए डी माइनस बी सी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हमारे डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी, वो भी एक क्या थी, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कुल मिला के ये पूरा जो है आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। दैट मीन्स ए डी माइनस बी सी आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड हैंस वी कैन से दैट दिस फाइव फाइव इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी, इस टाइप का जो एलिमेंट था वो आपके पास क्या बन गया है, एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का हम प्रोडक्ट करें या फिर हम दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट लें, हमेशा क्या बनता है, एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन।